आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज एक ब्राह्मण पति पत्नी की कथा को श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तवाल में उसकी कथा को श्रवण करेंगे, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके ब्राह्मण ने अपने पति को विश्वास के साथ फिर से मरे हुए पति को जीवित करवा दिया। ऐसे ब्राह्मण दंपति की कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे श्री गुरु परंपराम। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान विनय करें सुर नर मुनि देहुं अभय वरदान देहुं अभय वरदान। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भक्तजनों, ब्राह्मण दंपति का भगवान पर अटूट विश्वास था। हुआ यूं कि जैसे सतयुग त्रेता और द्वापर में इन तीनों युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की है, यह बात इस प्रकार से भक्त चरित्रों से सिद्ध होता है। जैसे कि एक ब्राह्मण थे और एक समय वह अपने ससुराल में गए और उनकी पत्नी का गौना होने वाला था। उनकी शादी हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए थे और वह अपनी पत्नी का गौना करवा करके ससुराल से आ रहे थे। भक्त दंपति के साथ जब बहुत दूर वन में आ गए तो वन प्रदेश में उनको ठग लोग मिल गए। अब ठग लोगों ने उनको पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ठगों ने कहा कि जहाँ आप जा रहे हो उसी के तरफ हमारा भी घर है, हम भी वहीं आएंगे। तब उन्होंने कहा कि आपके साथ मार्ग में और कौन है? ठग, हम आप पर कैसे विश्वास करें? तब ठगों ने विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं, यदि कोई विश्वासघात करेगा तो भगवान राम जी उनकी रक्षा करेंगे। वो बड़े सीधे साधे भोले भाले थे और भगवान राम के बड़े भक्त थे। अब चलते चलते एक निर्जन बनाया जहाँ से न कोई देखता था न वहाँ से कोई आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। वन में जाकर उन दुष्टों ने भक्त ब्राह्मण को लालच में आकर मार डाला। जैसे ही ब्राह्मण को मार डाला तो ब्राह्मणी दुखी होकर विलाप करने लगी, रोते रोते पुकारने लगी, कहने लगी, जिन रामचंद्र जी को बीच में रखा था वे कहाँ हैं? वे श्री राम रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हे प्रभु आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, इन दुष्टों ने धोखे से मेरे पति को मार डाला है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्रभु आप जल्दी आइए, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जब वो पुकारने लगी, अपनी भक्ता की दीन पुकार सुनते ही सारंग धनुषधारी श्री राम जी आ गए। बोल श्री राम भगवान की जय। और शोक सागर में डूबती हुई भक्ता को उन्होंने उबार लिया। उन्होंने सभी दुष्टों को मार गिराया और उसके मृतक पति को जीवित कर दिया। इस प्रकार की कृपा भगवान इस कलयुग में करते हैं। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम।
नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवाम भागं पाणो महाशा एक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्तजनों, हम आपको प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।